हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। आज हम एक नंबर सिस्टम का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेक्चर 2। इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम का, जो हमारा पहला लेक्चर था मैथ्स का, जिसमें हमने नंबर का क्लासिफिकेशन सीखा कि नंबर किस टाइप के होते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन जैसे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इवन नंबर, इस टाइप के नंबर हमने पढ़े थे। नेचुरल नंबर भी पढ़ा था, वो कम्प्लीट हो गया था। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर। ये भी नंबर हमें पेयर में पढ़ना है, इवन मतलब सम संख्या। दूसरा पढ़ना है हमें ऑड नंबर, ऑड मतलब होता है विषम संख्या। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाग हो जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं, सम संख्याएं। अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय टू, इट्स कॉल्ड इन इवन नंबर। तो ये दो से डिवाइड होगा, और ऑड क्या होगा, जो दो से डिवाइड नहीं होगा, मतलब दो से डिवाइड करने पर अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए, पूरा पूरा भाग नहीं जाए, तो वो हो जाएगा ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या है। तो इवन का एग्जांपल सपोज 2, 4, 6, 8 अप टू 100, ये सारी संख्याएं इवन लिखी हैं। ऑड नंबर ये 1, 3, 5, 7, दो तो प्लस करते जाओ नंबर मिलते जाएंगे। ठीक, अब कुछ बेसिक सी जानकारी है वो हमें समझना पड़ेगा कि इवन नंबर क्या होगा। मान लो एक्स कोई नंबर है, इसको दो से डिवाइड किया, तो एक्स को दो से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। आप चेक भी कर लो, मान लो कोई संख्या दी है 24 मेरे पास, और हमें ये चेक करना है ये दो से भाग होगा कि नहीं होगा, या सम संख्या है तो उसको दो से भाग करके देखो, या अगर आप पूरा पूरा भाग चला गया 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब किसी भी संख्या में अगर दो से भाग दें और वो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो सारी संख्या क्या होंगी, इवन। ऐसी ऑड की अगर चेक करें, एक्स कोई नंबर है, इसको दो से डिवाइड करें, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आना चाहिए, हमेशा 1। तो अगर किसी संख्या को दो से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो अगर 1 आ रहा है, तो वो सारी संख्या हो जाएगी विषम। अब मान लो कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, एक क्वेश्चन है आपसे पूछा है, विच इज द लीस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप चेक करो ये 2, 4, 6, 8 में सबसे छोटी कौन सी है सम संख्या, अच्छा 2, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। SSC में ही क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था, ऑप्शन आपके ही बदल दिए गए थे। बस क्वेश्चन ये पूछा था, विच इज द लीस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिए हैं 0, 2, 4, 6। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम है, बस ऑप्शन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। पिछले बार ये ऑप्शन दिए थे, अब की यार ये ऑप्शन। तो जैसे हमने रटा है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो हमने आप मान लो यहाँ पर 2 आंसर लगा दिए, बट ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से पहले 0 दिया है, और 0 भी कैसे होती है सम संख्या, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा 0, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा 2। देखो चेक करने का तरीका, हमने जो 0 है, अब मुझे चेक करना है 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करो, तो उसको 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो संख्या कौन सी होगी, इवन नंबर, यानी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 0। तो उसको स्टार बना के मैं यहाँ रख देता हूँ, लीस्ट इवन नंबर क्या होगा, 2। जनरली बुक्स में स्टार्ट करते हैं हम 2, 4, 6, 8 से, बट 0 भी कैसी संख्या है, तो आप ऑप्शन चेक कर लेना केयरफुली, अगर 2 से छोटा 0 दिया है तो ये ऑप्शन हमारा लीस्ट इवन नंबर में जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला नंबर है वो नंबर है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अगला क्लासिफिकेशन है अभाज्य संख्या। और इसी टाइप में पढ़ना हमें भाज्य संख्या। अब ये होती क्या है, नाम से समझ में आ रहा है अभाज्य संख्या, भाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, अभाज्य को बोलेंगे प्राइम नंबर। अब ये होती क्या है, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जो केवल खुद से डिवाइड हो। तो उसकी दो डेफिनेशन ही है, नंबर ये ऊपर लिख देता हूँ, नंबर डिविजिबल बाय ऑन इटसेल्फ, नंबर डिविजिबल बाय ऑन इटसेल्फ मतलब ऐसी संख्या है जो केवल खुद से भाग हो। दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है, नंबर हैविंग टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, टू डिफरेंट फैक्टर, यहाँ पे जो डिफरेंट वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। इसके एग्जांपल समझते हैं, सबसे पहले मैं वो संख्याएं लिखता हूँ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कैंसिल होगा, 9 से भी कैंसिल होगा, 13 अप टू 100।
तो ये सारी संख्याएं वो लिखी हैं जो केवल खुद से डिवाइड होती हैं। ठीक, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर के दो डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, तो उसके फैक्टर कहते हैं, इसके फैक्टर 1:1 होंगे, इसके फैक्टर 2:1, इसके फैक्टर 3:1, इस टाइप से 5:1। तो आप चेक करो, दो अलग अलग फैक्टर मिल रहे हैं, तो उसके दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, इसके भी दोनों फैक्टर अलग हैं, बट इसके दोनों फैक्टर अलग नहीं है, मतलब ये जो 1 है वो कंपोजिट, वो प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से। 1 क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया था, क्योंकि इसके दोनों फैक्टर कैसे हैं सेम, और हमें जो चाहिए उसके दोनों फैक्टर होने चाहिए डिफरेंट, तो ये 1 प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, ओनली 2 फैक्टर मीन्स होगा प्राइम नंबर। अब आ जाओ कंपोजिट पर। कंपोजिट क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर, अगर किसी संख्या के मोर देन 2 फैक्टर है तो वो होगा हमारा कंपोजिट। इसके एग्जांपल देख लें, कंपोजिट नंबर सिंपल से होंगे, जो नंबर प्राइम नहीं है वो लगभग क्या होगा? कंपोजिट होगा। तो जैसे बचे नंबर 4, 6, 8, 10, 12, 15 up to 100, ये सारे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट। चेक करने की कंडीशन क्या है? ये जो 4 है किससे डिवाइड होगा? 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से भी होगा, तो उसके कितने फैक्टर आ गए? 3। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए मतलब ये कंपोजिट होगा। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से भी होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 1 से होगा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए? 4। मोर देन 2 फैक्टर आ गए मतलब ये हो जाएगा कंपोजिट। कुछ स्टैंडर्ड जो पैरामीटर हमें याद रखने हैं, कई बार ये पूछा जाता है सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगी, तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत हो रही है। 2-3 पॉइंट निकलते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट तो ये है कि 1 कैसा है, 1 ना तो यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट होगा। तो 1 को ना तो प्राइम में कंसीडर करेंगे ना कंपोजिट होगा। 1 क्या होगा? 1 कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर होगा, सिंपल 1 नेचुरल नंबर होगा। ठीक, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाता है विच इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 2 से, तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या याद रखना है? 2। ये अगर पूछा जाए सबसे छोटी कंपोजिट संख्या, तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत हो रही है अभाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से, तो सबसे छोटी कंपोजिट हो जाएगी 4। एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर अभी पढ़े थे हमने, ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर। तो सारी सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य, बस 2 को छोड़कर। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट एक्सेप्ट 2, मतलब 2 एक ऐसी संख्या है जो एक्सेप्शन है कि ये होना, देखो सारी संख्याएं होनी चाहिए, कौन सी? सारी सम संख्याएं होनी चाहिए भाज्य, बस 2 नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इस पर। ठीक, तो इस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है इवन एंड ऑड की और प्राइम कंपोजिट की। पहला क्वेश्चन है इस पे, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इफ एन क्यूबिक माइनस एन सदैव किससे भाग होगा? जहां एन प्राकृत संख्या है। If this term is always divisible by, और ऑप्शन दिए हैं, if n is natural number, ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है मान लो 12, दूसरा ऑप्शन दिया है 24, तीसरा ऑप्शन दिया है 60, लास्ट ऑप्शन दिया है 6। तो ये चार ऑप्शन दिए हमसे, ये पूछा है ये जो टर्म है हमेशा किससे भाग होगा, और जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या जैसे ही हमने देखा नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, तो n इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करो। तो हम रखेंगे यहाँ पे 1 की क्यूब माइनस 1, तो 1 क्यूब एक माइनस 1, ये कितना आएगा? 0। n इक्वल टू 2 रखो, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएँ बढ़ती जाती हैं 1, 2, up to 100, तो 2 की पावर 3 माइनस 2, ये आ जाएगा 8 - 2, 6। एन इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो 3 की पावर 3 - 3, ये 27 - 3, ये आ जाएगा 24। एक दो वैल्यू रख देते हैं वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। एन इक्वल टू 4 भी रख दो, तो 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 - 4,
तो ये 64 माइनस 4 बचेगा कितना, 60। अब आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारा वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। अब आपसे पूछा है किससे डिवाइड होगा, तो ये पहला ऑप्शन लेता हूँ मैं 12 से ये 60 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 24 हो रहा है, बट ये 6 डिवाइड नहीं हो रहा, और हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है सदैव किससे डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम 24 लेते हैं तो ये डिवाइड हो रहा है, बाकी डिवाइड नहीं हो रहे। अगर मैं 60 लेता हूँ तो ये पार्ट तो डिवाइड हो रहा है बट ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो लीस्ट संख्या कौन सी होगी जो परफेक्टली डिवाइड करेगी सबको, तो आंसर बचा 6। अब चेक भी कर लो, 6 से 6 डिवाइड होता है, 24 भी होता है, 60 भी होता है, और आगे जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी क्या होंगी, इससे डिवाइड होंगी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आ गया इस पर, तो पहला क्वेश्चन आएगा इस पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। यदि x एक संपूर्णांक है, पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक है, तो कौन सा कथन सही है, सत्य। क्वेश्चन में लिखा है इफ x इज इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर, देन विच वन इज ट्रू। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है x अभाज्य संख्या होगा, दूसरा अभाज्य मतलब प्राइम, दूसरा x भाज्य होगा मतलब कंपोजिट होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 4 सम संख्या होगा मतलब इवन होगा, चौथा ऑप्शन दिया है x स्क्वायर माइनस 1 सम होगा इवन होगा। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है, एसएससी में भी आया क्वेश्चन, ये रेलवे एनटीपीसी 2-3 बार ये ग्रुप डी में भी रिपीट हुआ है। ठीक, तो इसको करने के बेसिक अप्रोच क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी सीखा है, एक्स एक संपूर्णांक है, तो सम संख्याओं की बात हो रही है, तो सम संख्याएं कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। अब मान लो यहाँ पे ये क्लासिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी सम संख्या लेनी है, तो हमारे हिसाब से कोई बच्चा ये भी ले सकता है। अगर मान लो किसी ने 2 लिया है, तो 2 तो हमने अभी चेक किया था, 2 तो प्राइम नंबर होता है, तो ये ऑप्शन जाना चाहिए। बट मान लो मेरा मूड बना, मैंने ये ले लिया, ये 4। अब जैसे ही मैंने 4 लिया, तो 4 क्या होता है, 4 होता है, हमने पढ़ा था भाज्य संख्या, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, तो आंसर ये वाला जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी सम संख्याएं अभाज्य भी हो सकती हैं, भाज्य भी हो सकती है, केवल ये नहीं कह सकते हम कि सम संख्याएं भाज्य होंगी, एक्सेप्ट टू वाले कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो ये भी ऑप्शन दोनों गलत हो गए, दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। अब आंसर इन दोनों में से कोई, इसको चेक करते हैं। एन की जगह मान लो मैंने 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और 8 ये कैसा आ रहा है, सम आ रहा है, और चेक करके देखते हैं। मान लो किसी बच्चे ने 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, यानी इसमें n की वैल्यू, x की वैल्यू पुट अप करते जा रहे हैं, तो नंबर जो भी मिल रहे हैं वो सारे क्या मिल रहे हैं, इवन, और यही बात ये बोल रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि n की जगह रखो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, तो ये जो 3 आया ये तो इवन नंबर है, बट ये ऑप्शन कह रहा है कि ये सम संख्या है, ये बात तो गलत है, मतलब आंसर हमारा कौन सा है, थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक, तो ये इवन एंड ऑड और प्राइम और कंपोजिट पे कुछ क्वेश्चन थे। अभी ये लेक्चर सीरीज़ का थ्योरी चल रही है, जैसे ही ये थ्योरी सारी कंप्लीट होगी तो हम इसके साथ में प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आया सबको लेके आएंगे। ठीक, पहले एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लें, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर हमारा हो गया, देन अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या है। जैसे ही इस नंबर सिस्टम की थ्योरी खत्म होती है उसके बाद इसकी प्रैक्टिस से क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स वगैरह हैं कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिगार्डिंग है जो भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो अपन कमेंट में सारी कमेंट को कलेक्ट करके एक फ्री वीडियो बना सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।